ओम शांति। 18/9/2022 यानी 18 सितंबर 2022 की प्रातः मुरली। ओम शांति अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज 15/4/1992 मतलब आज की मुरली 15 अप्रैल 1992 के दिन की रिपीट हुई है। ठीक है। ब्राह्मणों की दो निशानियां निश्चय और विजय। बाबा कहते हैं कि तुम ब्राह्मण बच्चों की दो निशानियां हैं, पहला निश्चय और विजय। जब तुम किसी चीज़ पर निश्चय कर लोगे तो विजय जरूर मिलनी ही मिलनी है। अगर तुम निश्चय कर लिए कि हमें पुरुषार्थ करना है, तुम निश्चय कर लिए कि हमें पवित्र बनना है, तो तुम्हें आगे चल के विजय जरूर मिलेगी। आज बाप दादा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की विशेष दो निशानियां देख रहे हैं। विशेष दो निशानियां यही निश्चय और विजय। ब्राह्मण अर्थात निश्चय बुद्धि और निश्चय बुद्धि अर्थात विजयी। बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण का अर्थ होता है निश्चय बुद्धि और निश्चय बुद्धि का अर्थ होता है विजयी। जो निश्चय बुद्धि रहेगा उसका विजय तो कन्फर्म ही है। तो हर एक ब्राह्मण निश्चय बुद्धि कहाँ तक बने हैं और विजयी कहाँ तक बने हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है निश्चय और निश्चय का प्रमाण है विजय। ठीक है। बाबा कहते हैं कि तुम ब्राह्मण बच्चे कहाँ तक निश्चय बुद्धि बने हो और कहाँ तक विजयी हुए हो, क्यों। बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन का मेन फाउंडेशन है निश्चय, मेन आधार है ब्राह्मण जीवन का निश्चय और निश्चय का प्रमाण है विजय। मतलब ब्राह्मण जीवन का मेन आधार है निश्चय, और अगर तुमको निश्चय हो गई तो निश्चय का प्रमाण है विजय। ठीक है। तो निश्चय और विजय दोनों की परसेंटेज एक है या अंतर है, रिजल्ट क्या देखी होगी। निश्चय की परसेंटेज सभी ज़्यादा अनुभव करते हैं और विजय की परसेंटेज निश्चय से कम अनुभव करते हैं। जब किसी से भी पूछते हैं कि निश्चय कितना है तो सभी कहते हैं 100%, और निश्चय की निशानी विजय कितनी है तो उसमें भी 100% कहेंगे। आपका स्लोगन निश्चय बुद्धि विजयंती, फिर निश्चय और विजय में अंतर क्यों। निश्चय और विजय दोनों निशानियां समान होनी चाहिए ना, लेकिन अंतर क्यों है, इसका क्या कारण है। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों में निश्चय तो है 100%, तुम एग्जाम को निश्चय किए हो पवित्रता धारण करने के लिए, अपने मन से निश्चय धारण किए हो कि हमको पवित्रता धारण करना है, पुरुषार्थ करना है, ये सब का निश्चय किए हो, लेकिन विजय तुमको नहीं मिल रही है। क्योंकि अब जब तुम 100% निश्चय किए हो तो 100% विजय भी मिलनी चाहिए ना, लेकिन क्यों नहीं मिल रही है। बाबा पूछ रहे हैं कि दोनों में अंतर क्यों है, निश्चय और विजय की दोनों की निशानियां समान होनी चाहिए। जब तुम निश्चय बुद्धि से चल रहे हो तो विजय भी उसी के समान ही होनी चाहिए। जब 100% निश्चय है तो विजय भी 100% होनी चाहिए, लेकिन बच्चे कहते हैं कि निश्चय तो 100% है लेकिन विजय नहीं है 100%, तो ऐसा क्यों, इसका क्या कारण है। कोई भी फाउंडेशन जब पक्का किया जाता है तो उस स्थान को चारों ओर अटेंशन देखकर पक्का किया जाता है। अगर चारों ओर में से एक कोना भी कमजोर रह जाए तो पक्का रहेगा या हिलता रहेगा। ऐसे ही निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर अर्थात विशेष चार बातों का संपूर्ण निश्चय चाहिए। ठीक है। बाबा कहते हैं कि तुम लोगों का जो फाउंडेशन है, ब्राह्मण बच्चों का मेन आधार है, वो है निश्चय बुद्धि। ठीक है। ब्राह्मण बच्चों का मेन आधार है निश्चय बुद्धि, और जो निश्चय बुद्धि रहेगा उसको 100% विजय मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन बच्चे कहते हैं कि हमको निश्चय तो 100% है लेकिन विजय नहीं मिल रही है हमें 100%, ऐसा क्यों। तो बाबा कहते हैं कि जब कहीं तुम घर का आधार बनाते हो, ठीक है, घर का बीम कॉलम के लिए नीचे जब बनाते हो, घर का जो आधार होता है उसको जब बनाते हो तो चारों तरफ देख लिया जाता है कि किधर कमज़ोर तो नहीं है। अगर एक तरफ कहीं कमज़ोर है तो वो पूरा कमज़ोर हो जाएगा। मतलब जैसे जब घर का आधार बनाते हैं तो चारों ओर देखकर बनाते हैं कि किधर भी कमज़ोर तो नहीं है। बस वैसे ही बाबा कहते हैं कि अगर तुमको ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन जो निश्चय है, ब्राह्मण जीवन का आधार, जैसे घर का आधार चारों ओर से देखकर बनाया जाता है, वैसे ब्राह्मण जीवन का आधार निश्चय को भी चार बातों का ध्यान होना चाहिए। यह चार बातें पहले भी सुनाई है। एक तो बाप में संपूर्ण निश्चय, जो है जैसा है, जो श्रीमत जैसे बाप की दी हुई है उसे विधि पूर्वक यथार्थ जानना, मानना और चलना। दूसरी बात, अपने समान संपन्न श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा स्वरूप को जानना, मानना और चलना।
तीसरी बात, अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को यथार्थ विधि से जो जैसा है वैसे मानना जानना, मानना और चलना। चौथी बात, सारे कल्प के अंदर इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम युग व समय को उसी महत्व से जानना, मानना और चलना। बाबा कहते हैं कि तुम ब्राह्मण बच्चों के कहते तो हो कि निश्चय बुद्धि 100% है, लेकिन निश्चय बुद्धि तुम्हारी 100% नहीं है, इसलिए तुमको 100% विजय नहीं मिल रही है। तुमको निश्चय बुद्धि करते समय चार बातों को याद रखना है। चार बातें क्या है? पहली बातें हैं कि जैसा बाप कहते हैं, जैसा बाप की श्रीमत है, बाप की श्रीमत के अनुसार चलना, जानना, मानना, ठीक है। दूसरी बात है अपने श्रेष्ठ स्वमान संपन्न श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा स्वरूप को जानना, अपने आप को आत्मा समझना। तीसरा है श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को यथार्थ विधि से जो जैसा है वैसे जानना और मानना। चौथी बात है सारे कल्प के अंदर इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम युग व समय को उसी महत्व से जानना, मानना और चलना। बाबा चौथी बात यह है कि जैसे 84 के चक्र में केवल संगम युग ही महत्वपूर्ण होता है, तो संगम युग को उसी महत्वपूर्ण दृष्टि से देखना। अगर इन चार बातों को याद करके तुम्हारी बुद्धि निश्चय रहती है तो तुमको विजय 100% प्राप्त होगी। इन चार बातों में जो अटल निश्चय बुद्धि है और चारों से संपन्न परसेंटेज है तो उसको कहेंगे संपूर्ण यथार्थ निश्चय बुद्धि। ऐसे कह देने से नहीं होता कि हम 100% निश्चय बुद्धि हैं तो तुमको 100% फिर विजय क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि तुम चारों तरफ का आधार नहीं देखे हो। आधार तुम्हारा कमजोर है और आधार यही चार बातें हैं, ठीक है। अपने आप को आत्मा समझना, श्रीमत पर चलना, श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को यथार्थ विधि से मानना, और चौथी बात है कि संगम युग को सबसे ऊपर का दर्जा देना। जैसे संगम युग सब में श्रेष्ठ है उसी तरह उसको बताना, ठीक है, जानना, मानना। इन चार बातों में जिसका निश्चय है वो निश्चय बुद्धि बनके और संपूर्ण विजय पा पाएगा। यह चारों ही निश्चय के फाउंडेशन के स्तंभ हैं, ठीक है। मतलब जैसे घर के फाउंडेशन में, अगर मान लीजिए कि हम कालम की ही बात करते हैं, अगर चार कालमों में से एक कोई भी कमज़ोर है तो वो घर बेकार हो जाता है, ठीक है। अगर चार आधारों में से, घर का जो आधार होता है नीचे का, चार आधारों में से कोई एक भी कमज़ोर है तो फिर घर बेकार हो जाता है। अगर एक आधार के भी अगल बगल खराब मिट्टी है तब भी वो बेकार हो जाता है। उसी तरह परमपिता परमात्मा कहते हैं कि तुम निश्चय बुद्धि तो बने हो लेकिन सभी आधार को साथ में लेकर नहीं चल रहे हो। तुम्हारे ये चार आधार हैं, इन चारों आधार को साथ में लेकर चलो और निश्चय बुद्धि बनो, तब तुम्हारी विजय निश्चित है। सिर्फ एक बाप में निश्चय है और तीनों बातों में से कोई भी स्तंभ कमजोर है, सदा मजबूत नहीं है, कभी हिलता कभी अचल होता, तो वह हलचल हार खिलाती, विजयी नहीं बनाती। बाबा बता रहे हैं कि तुमको केवल निश्चय इस बात का है कि परमपिता परमात्मा हैं, परमपिता परमात्मा हमारे बाप हैं, लेकिन तुमको और बातों का, जो इसके अलावा तीन बातें हैं, उसका स्तंभ कमज़ोर है। कभी किसी का मजबूत होता है, कभी किसी का मजबूत होता है, कभी कोई बात पर विश्वास होता है, कभी कोई बात पर विश्वास होता है। जब तुम्हें सदा चारों बातों पर विश्वास होगा तब तुम विजयी पाओगे। जैसे घर में चार स्तंभ में से चार कालम में से अगर एक कोई भी कमज़ोर हो गया तो वो घर का सत्यानाश हो जाता है, घर बेकार हो जाता है। उसी तरह अगर ब्राह्मण जीवन में तुम केवल एक में निश्चय बुद्धि हो तो काम नहीं चलेगा, तुमको चारों बातों में निश्चय बुद्धि बनाना है, तब तुमको विजय मिलेगी, ठीक है। बाबा कहते हैं कि कोई भी हलचल तुमको कमज़ोर बना देती है और कमज़ोर सदा विजयी बन नहीं सकता, इसलिए निश्चय और विजय में अंतर पड़ जाता है। बाबा कहते हैं कि तुमको चारों बातों में निश्चय नहीं रहता, केवल एक बात में निश्चय रहता है या दो बातों में निश्चय रहता है। निश्चय यानी विश्वास से मतलब है, तुमको केवल एक बातों में विश्वास रहता है या फिर दो बातों में विश्वास रहता है। एक बात का पालना करते हो या फिर दो बात का पालना करते हो, तो एक दो बातों के पालना करने से कुछ नहीं होगा। जब तुमको चारों बातों में निश्चय बुद्धि हो जाएगी तब तुम्हारे निश्चय और विजय में अंतर नहीं रहेगा। और अगर तुम्हारे एक भी अगर स्तंभ कमज़ोर है, अगर एक में भी तुम्हारी निश्चय बुद्धि नहीं है, तो निश्चय और विजय में अंतर पड़ जाता है, ठीक है।
तो वही बाबा कहते हैं कि अगर तुमसे कोई पूछता है कि तुमको निश्चय कितना है तो तुम कह देते हो 100%, लेकिन विजय कहते हो कम है, विजय नहीं मिल रही है, क्योंकि तुमको चारों बातों में निश्चय नहीं है। तुमको निश्चय केवल इसमें है कि परमपिता परमात्मा हमारा बाप है, तो इसमें बस निश्चय नहीं करना है, चारों बातों में निश्चय करना है। बाप दादा के सामने बहुत बच्चे भोले बन करके रूह रूहान करते हैं कि हमें निश्चय तो पूरा है, बाबा मैं आपका और आप मेरे हो यह पक्का है, 100% तो क्या 500% निश्चय है, लेकिन हलचल भी है। फिर मनाने के लिए कहते हैं आप तो हमारे हो ना, पक्का कराते हैं, बहुत भोली भोली बातें करते हैं, मैं जो भी हूँ जैसी हूँ आपकी हूँ या आपका हूँ, तो बाप कहते हैं आप जो हो जैसे हो मेरे हो, लेकिन बाप जो है जैसा है आपका है। ठीक है, भोला बनना अच्छा है, दिल से भोले बनो, लेकिन बातों में और कर्म में भोले नहीं बनो। दिल में भोले भोलानाथ के प्यारे हैं। बाबा कहते हैं कि कुछ बच्चे मुंह बना के हमारे सामने आते हैं, कुछ बच्चे दया जैसे मुंह बना के आते हैं, कुछ बच्चे ऐसे मुंह झुरवा कर, मतलब मुंह दयामन बना के आते हैं मेरे पास और कहते हैं कि हे भगवान, हमको आपसे 100% विश्वास है आपके ऊपर, आप मेरे हो, जो भी हो जैसे हो आप मेरे हो, तुम मेरे बाप हो, मैं आपके ऊपर 100% विश्वास करता हूँ। तो बाप कहते हो कि मैं भी जैसा हूँ आपका ही हूँ। बाबा कहते हैं कि भोला बनाना अच्छा है। बाबा कहते हैं कि किसी किसी को इन तीन बातों से कोई मतलब नहीं रहता, केवल चौथी बात जानते हैं कि परमपिता परमात्मा हमारा बाप है, और परमपिता परमात्मा के आगे हाथ जोड़कर पहुंच जाते हैं कि हे भगवान मैं आपका हूँ, मुझे विजय क्यों नहीं मिल रही है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा भोला बनना अच्छा है, लेकिन दिल से भोले बनो, कर्म से बातों से भोले ना बनो कि जाकर परमपिता परमात्मा के आगे हाथ जोड़ लिए कि हे परमात्मा मैं आपका हूँ, मुझसे कुछ कर्म नहीं हो रहा है, ऐसे में परमपिता परमात्मा कुछ नहीं सुनेंगे। ठीक है, तो बाबा कहते हैं दिल से भोले बनो, लेकिन बातों से और कर्म से भोले नहीं बनो, कर्म करना पड़ेगा तुम्हें। दिल के भोले भोलेनाथ के प्यारे हैं, जो दिल के भोले होते हैं भोलेनाथ को वही प्यारे होते हैं। बातों में भोले स्वयं को भी धोखा देते हैं और दूसरों को भी धोखा दे देते हैं, और कर्म के भोले अपना भी नुकसान करते हैं तो सेवा का भी नुकसान करते हैं, इसलिए दिल से भोले बनो, बिल्कुल सेंट ऐसे भोले, सेंट अर्थात महान आत्मा, लेकिन बातों में त्रिकालदर्शी बन करके बात सुनो और बोलो। कर्म में हर कर्म के परिणाम को नॉलेज फुल होकर जानो और फिर करो। ऐसे नहीं कि होना तो चाहिए था लेकिन हो गया, बोलना नहीं चाहिए था लेकिन बोल दिया। बाबा कहते हैं कि तुम हर कर्म को ऐसा करो कि इसका परिणाम क्या मिलने वाला है, जिस कर्म का परिणाम अच्छा मिलने वाला है उसी कर्म को करो। ऐसा ना करो कि कुछ गलत कर्म कर दो और फिर बोलो कि अरे ये तो गलत हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमको ये पहले सोचना था कि ये नहीं करना चाहिए था। इससे सिद्ध है कि कर्म के परिणाम को ना जान भोलेपन में कर्म कर लेते हो। ऐसे नहीं समझो कि हम भोले हैं इसलिए ऐसा हो जाता है, ऐसे अपने को छुड़ाना नहीं है, दिल का भोला सबका प्यारा होगा। बाबा कहते हैं कि ऐसे ना समझना कि गलत काम कर दिए और फिर सोच लिए कि हम तो बाबा के बच्चे हैं, हम भोले हैं इसलिए हमसे ऐसा हो जाता है, ये ऐसा करके अपने आप को इससे छुड़ाना नहीं है। इसमें परमपिता परमात्मा कुछ नहीं देखेंगे, पहले परिणाम देख कर कर्म करो कि इसका परिणाम क्या मिलने वाला है। ठीक है, दिल का भोला सबका प्यारा होगा, जो दिल का भोला होगा वो सबको प्यारा होगा, लेकिन जो कर्म से भोला होगा, बात से भोला होगा, वो किसी को प्यारा नहीं होगा। गलत किसी को गलत बोलकर भोला बन जाएगा तो उसका काम नहीं चलेगा, गलत कर्म करके भोला बन जाएगा तो उसका काम नहीं चलेगा, दिल से भोला होगा तभी परमपिता परमात्मा को प्यारा होगा। तो तुम समझ गए ना कि भोला किसमें बनना है, तो निश्चय और विजय को समान बनाने की विधि क्या हुई, चारों तरफ चारों बातों का समान परसेंटेज वाला निश्चय हो। बाबा बता रहे हैं कि संपूर्ण अगर विजय पानी है तो चारों तरफ और चारों बातों का समान परसेंट वाला निश्चय हो, ये नहीं कि किसी में कम निश्चय किसी में ज़्यादा, सब में बराबर निश्चय हो। कई बच्चे और क्या कहते हैं कि बाबा आप में तो निश्चय है लेकिन अपने आप में इतना निश्चय नहीं है, कभी होता है कभी अपने में निश्चय कम हो जाता है, फिर उन्हों की भाषा क्या होती है, एक ही गीत गाते हैं, पता नहीं पता नहीं पता नहीं पता नहीं ऐसे क्यों होता है,
पता नहीं मेरा भाग्य है, पता नहीं बाप की मदद मिलेगी वा नहीं, पता नहीं सफलता होगी वा नहीं। जब मास्टर सर्वशक्तिमान हो तो इस निश्चय की कमी है, तब पता नहीं का गीत गाते हो। बाबा कहते हैं कि कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि उनको तो परमपिता परमात्मा पर विश्वास होता है लेकिन अपने पर विश्वास नहीं होता है। वो गीत गाते रहते हैं कि हमको पता नहीं। अरे जब बाप की मदद मिल रही है तो तुमको क्यों पता नहीं है, जब मास्टर सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ है और तुम बोल रहे हो कि पता नहीं, इसमें तुम्हारी निश्चय की कमी है। निश्चय की कमी होने के कारण तुम पता नहीं की गीत गाते हो, क्योंकि तुमको अपने में ही निश्चय नहीं है। और तीसरे फिर क्या कहते हैं कि बाबा हमने तो आपको देख करके सौदा किया, आप हमारे हो हम आपके हैं, इस ब्राह्मण परिवार में हमने सौदा नहीं किया, ब्राह्मण परिवार खिटखिट है, आप ठीक हो, ब्राह्मणों के संगठन से चलना मुश्किल है, एक आपसे सहज है तो बाप दादा क्या कहेंगे। बाप दादा मुस्कुराते हैं, ऐसे बच्चों से बाप दादा का एक प्रश्न है, क्योंकि ऐसी आत्माएं प्रसन्न चित्त नहीं रहती, प्रसन्न बहुत करती हैं, ये ऐसा क्यों, ऐसा होता है क्या, तो वह प्रसन्न चित्त आत्मा नहीं है, प्रश्न चित्त आत्मा है। बाबा कहते हैं कि एक प्रकार के बच्चे, ब्राह्मण बच्चे ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि हे परमपिता परमात्मा आप मेरे हो मैं आपका हूँ, लेकिन हमें ब्राह्मण परिवार से कोई मतलब नहीं, ब्राह्मण परिवार बेकार हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि कहते हैं कि परमपिता परमात्मा मैं आपको मानता हूँ, आप मेरे बाप हो, मैं आपका बच्चा हूँ, लेकिन मुझे ब्राह्मण परिवार से कोई मतलब नहीं, ब्राह्मण परिवार ये बेकार है आपका। तो बाप दादा मुस्कुराते हैं, ऐसे बच्चों से बाप दादा का एक प्रश्न है, क्योंकि ऐसी आत्माएं प्रसन्न चित्त नहीं रहती, प्रश्न बहुत करती हैं, ये ऐसा क्यों क्या, तो वह प्रसन्न चित्त आत्मा नहीं है, प्रश्न चित्त आत्मा है। बाबा कहते हैं कि जो दिन भर प्रश्न करती रहती हैं आत्माएं, ठीक है, जो बाबा से प्रश्न ही तो कर रही कि बाबा मैं आपका हूँ आप मेरे हो, लेकिन मुझे ब्राह्मण परिवार से कोई मतलब नहीं। कुछ कहते हैं कि मैं आपको तो जानता हूँ लेकिन अपने में निश्चय बुद्धि कम होती है, तो ऐसे बच्चों को बाप कहते हैं कि ऐसे बच्चे कभी खुश नहीं रहते हैं, हमेशा प्रश्न ही करते रहते हैं, प्रश्न बहुत करते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या है, यही दिन भर प्रश्न करते रहते हैं। तो उन आत्माओं को हम प्रसन्न चित्त आत्मा नहीं कहते हैं, उन आत्माओं को हम प्रश्न चित्त आत्मा कहते हैं, ठीक है। बाप दादा भी उन्हों से प्रश्न करते हैं कि आप आत्मा मुक्ति धाम में रहने वाली हो या जीवन मुक्ति में आने वाली हो, मुक्ति में रहना है फिर जीवन मुक्ति में आना है ना, तो जीवन मुक्ति में सिर्फ बाबा ब्रह्मा होगा या राजधानी होगी, सिर्फ ब्रह्मा और सरस्वती राजा रानी होंगे, जीवन मुक्ति का वर्षा पाना है ना। आप लोग चैलेंज करते हो कि आदि सनातन धर्म और अन्य धर्म में सबसे बड़ा अंतर है, तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं और आप धर्म और राज्य दोनों की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को केवल मुक्ति पाना है कि जीवन मुक्ति भी पाना है, मुक्ति पाना यानी शांति धाम में जाना और जीवन मुक्ति पाना यानी सतयुग में फिर से जन्म लेना। तो बाबा कहते हैं कि तुमको शांति धाम में बैठे रहना है कि फिर सतयुग में जन्म लेना है, जीवन अगर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, जीवन मुक्ति का वर्षा पाना है ना तुम बच्चों का। तुम बच्चे ही सभी से कहते हो कि सनातन धर्म और दूसरे धर्म में बहुत अंतर है, और लोग तो सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं, जो दूसरे धर्म है वो सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं, लेकिन सनातन धर्म में धर्म के साथ साथ राज्य की भी स्थापना होती है, ये तुमको पक्का है ना, मतलब राज्य यानी सतयुग की भी स्थापना होती है और ब्राह्मण भी बनते हैं हम, मतलब सनातन धर्म की भी स्थापना होती है, मतलब धर्म और राज्य की दोनों की स्थापना होती है, ये केवल सनातन धर्म के साथ होता है, धर्म की स्थापना और राज्य की भी स्थापना कर रहे हो ना, तो राज्य में क्या होगा, सिर्फ एक राजा रानी होंगे, एक राजा रानी और आप एक बच्चा या बच्ची बस, ऐसा राज्य होता है। तो हमें राजधानी में आना है, यह याद रखो, राजधानी में आना अर्थात ब्राह्मण परिवार में संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, श्रेष्ठ संबंध में आना। बाबा उनके लिए बता रहे हैं जो लोग कहते हैं, जो बच्चे कहते हैं परमपिता परमात्मा से कि आप मेरे बाप हो और मैं आपका बच्चा हूँ लेकिन मुझे ब्राह्मण परिवार से कोई मतलब नहीं, तो उन बच्चों को कहते हैं कि अगर तुम्हें सतयुग में आना है तो तुम्हें ब्राह्मण परिवार के साथ संतुष्ट रहना पड़ेगा,
श्रेष्ठ संबंध में तुम्हें रहना पड़ेगा, क्योंकि सतयुग में तो तुम साथ ही रहोगे। क्या सतयुग में भी तुम ब्राह्मण बच्चों के साथ दुश्मनी करोगे? अगर तुम्हारा अभी से ब्राह्मण बच्चों के साथ नहीं जम रहा है, तुम्हारा अभी से ब्राह्मण बच्चों के साथ प्रेम नहीं है, तो सतयुग में क्या रहेगा? तो तुम सतयुग में आने लायक नहीं बन पाओगे। अभी बाप दादा पूछेंगे सभी से कि आप माला में आना चाहते हो, या कहेंगे माला से बाहर रह गए तो भी ठीक है, हर्जा नहीं है, माला में आना है, चाहे 108 में आओ चाहे 16,000 में आओ, लेकिन आना है वह नहीं। हाँ जी, फिर अभी ब्राह्मण परिवार से क्यों घबराते हो? बाबा पूछ रहे हैं कि तुम लोगों को ब्राह्मण परिवार में आना है कि नहीं, तुम लोगों को देवी देवता परिवार में आना है कि नहीं, या फिर वैसे भी काम चल जाएगा, चाहे 108 माला में आओ चाहे 16,000 में आओ, लेकिन आना है कि नहीं आना है? अगर आना है तो फिर ब्राह्मण परिवार से क्यों घबराते हो? जब तुम्हें सतयुग में आना है, साहूकार बनना है, राजा रानी बनना है, तो फिर तुम ब्राह्मण परिवार से क्यों घबरा रहे हो? जब कोई बात होती है तो क्यों कहते हो हमारा तो बाबा है, बहनें क्या करेंगी, भाई क्या करेंगे, हमने बहनों भाई से वादा नहीं किया है? लेकिन यह ब्राह्मण जीवन का शुद्ध संबंध का जीवन है, माला की जीवन है, माला का अर्थ ही है संगठन। बाबा कहते हैं कि जब तुमको सतयुग में आना है तो सतयुग में कोई किसी से दुश्मनी तो नहीं करता है, सब एक होकर रहते हैं, तब तुम ब्राह्मण बच्चे क्यों कहते हो कि हमें भाई बहनों से कोई मतलब नहीं है, हम बाप से वादा किए हैं, हमारा भाई बहनों से कोई मतलब नहीं है? ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, ऐसा कहोगे तो सतयुग में नहीं आ पाओगे। ये ब्राह्मण जीवन शुद्ध संबंध जीवन है, शुद्ध संबंध का माला का जीवन है, माला का अर्थ ही होता है संगठन, माला का अर्थ ही होता है कि गुरियों का संगठन, मणके का संगठन। तो अगर परमपिता परमात्मा के माले में आना चाहते हो, तो माला में आना चाहते हो, तो तुमको संगठन में रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अपने को जानो, बाप को जानो और ब्राह्मण परिवार को ना जानो, इससे काम नहीं चलेगा। ब्राह्मण परिवार के निश्चय में अगर कोई संशय आ जाता है, व्यर्थ संकल्प आ जाता है, तो वह निश्चय को डगमग कर देता है, हलचल में लाता है। बाबा अच्छा एग्जाम अच्छा, लेकिन ये दादियाँ अच्छी नहीं, टीचर अच्छी नहीं, परिवार अच्छा नहीं, यह निश्चय बुद्धि के बोल हैं। उस समय निश्चय बुद्धि कहें कि संकल्प बुद्धि कहें, व्यर्थ संकल्प प्रसन्न चित्त बुद्धि रहने नहीं देते। तो समझ गए ना कि निश्चय की विशेषता क्या है। बाबा कहते हैं कि अब तुम ये बोलो, अगर तुम ब्राह्मण बच्चे ये बोलो कि हमारा बाबा भी अच्छा है, बाबा का एक ज्ञान भी अच्छा है, लेकिन ये दादियाँ अच्छी नहीं हैं, ये ब्राह्मण परिवार अच्छा नहीं है, तो क्या यह निश्चय बुद्धि के बोल हैं? नहीं नहीं, ये निश्चय बुद्धि के बोल नहीं हैं, ये संकल्प तुमको व्यर्थ संकल्प तुमको खुश नहीं रहने देंगे, इसलिए तुम ब्राह्मण परिवारों के संगठन में रहो। चौथी रूह रिहान क्या करते हैं, चौथे आदमी क्या करते हैं? दूसरे आदमी तो क्या करते हैं, परमात्मा को जानते हैं लेकिन अपने आप को ही नहीं जान पाते, क्या क्या पता नहीं करते रहते हैं। दूसरे क्या हैं? अपने को भी जानते हैं, बाप को भी जानते हैं, लेकिन ब्राह्मण परिवार को नहीं जानते, ब्राह्मण परिवार से संगठन नहीं बनाते। अब चौथे तरह के लोग क्या हैं? वह फिर कहते हैं कि समय श्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम युग है, आत्मा परमात्मा के मेले का युग है, यह सब मानते हैं। फिर क्या कहते हैं? अभी थोड़ा समय तो है ही, इतने में तो विनाश तो होना नहीं है, यह तो स्थापना के समय से कहते आए हैं कि विनाश होना है, दूसरी दिवाली नहीं आनी है, तो विनाश की बातें तो स्थापना के समय से चल रही है, विनाश कहते कहते कितने वर्ष हो गए, अभी भी पता नहीं विनाश कब हो। थोड़ा सा अलबेले के आलस्य के, ढीले पुरुषार्थ के, ढनलप के तकिए में आराम कर लें, समय पर ठीक हो जाएंगे। बाबा कहते हैं कि चौथे प्रकार के बच्चे वो होते हैं जो कहते हैं कि समय तो श्रेष्ठ चल रहा है, युग भी पुरुषोत्तम युग चल रहा है, संगम युग चल रहा है, आत्मा परमात्मा के मेले का युग चल रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि अभी तो बहुत समय है विनाश होने में, ये लोग तो पता नहीं कब से विनाश करते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी तक विनाश नहीं हुआ है, हर साल बोलते हैं विनाश होगा, लेकिन अभी तक विनाश नहीं हुआ है, ऐसा सोच लेते हैं, अभी हमारे पास बहुत समय है, और थोड़ा आलस्य में आ जाते हैं और तकिए में सो जाते हैं, आलस्य के तकिए में ढनमना जाते हैं कि थोड़ा आराम कर लें, अभी तो बहुत टाइम है विनाश होने में, ठीक है।
तो सोचते हैं कि जब विनाश का टाइम आएगा तो हम सुधर जाएंगे, अभी थोड़ा सो लेते हैं। तो चौथे तरह के बच्चे ऐसे हैं। चौथे तरह के बच्चे सबको मानते हैं, आत्मा को, परमात्मा को, ब्राह्मण बच्चों को, सबको मानते हैं, लेकिन उनके मन में ये चलता है कि विनाश का समय अभी बहुत टाइम है, इनका इन लोगों का काम ही है विनाश विनाश करना, अभी विनाश बहुत दिन में होगा, जब विनाश होगा तो हम सुधर जाएंगे। ठीक है, बाप को भी यह पक्का कराते हैं कि आप देखना हम समय पर बहुत नंबर आगे ले आएंगे। मतलब ऐसे बच्चे बाप को भी ये पक्का कराते हैं, बाप से भी कहते रहते हैं कि बाप तुम देखना हम समय पर बहुत आगे नंबर ले आएंगे, लेकिन बाप दादा ऐसे बच्चों को सदा सावधान करते हैं कि समय पर जागे और समय प्रमाण परिवर्तन किया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समय के पहले परिवर्तन किया और आपके पुरुषार्थ में है, पुरुषार्थ की मार्क्स जमा होगी और समय पर किया तो समय को मार्क्स मिलेगी, आपको नहीं। ठीक है, बाबा कहते हैं कि तुम अगर समय से पहले पुरुषार्थ कर लिए तो वो नंबर तुमको मिलेगा, अगर तुम जब विनाश होना चालू होगा तो तुम जबरदस्ती आए पुरुषार्थ कर रहे हो इसका मतलब, तो वो नंबर तुमको नहीं मिलेगा, वो नंबर समय को मिलेगा, क्योंकि ऐसी गलत समय के कारण तुम ये पुरुषार्थ कर रहे हो, इसलिए समय रहते पुरुषार्थ कर लो। तो टोटल रिजल्ट में अलबेले या आलस्य की नींद के कारण धोखा खा लेंगे, मतलब रिजल्ट खराब हो जाएगा, क्योंकि जो बाद में पुरुषार्थ करोगे उसका नंबर समय को भी मिलेगा, तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि समय ऐसी आ जाएगी पुरुषार्थ करने वाली, और अभी अगर पुरुषार्थ करते हो तो उसका पूरा नंबर तुम्हें मिलेगा। यह भी कुंभकर्ण के नींद का अंश है, बड़ा कुंभकर्ण नहीं है, छोटा है, फिर उसको क्या हुआ, अपने को बचा सका नहीं, बच सका ना, नहीं बच सका ना, तो अंत समय में अपने को फुल पास के योग्य नहीं बना सकेंगे। ठीक है, बाबा कहते हैं कि कुंभकर्ण नींद में रहता था तो क्या बचा, मर गया ना, बस उसी तरह तुम बच्चों को अंत समय में जो तुम सोच रहे हो कि लास्ट आते आते हम पुरुषार्थ कर लेंगे, तो अंतिम में तुम फुल पास नहीं हो पाओगे, समझे। अभी कैसी रूह रिहान करते हो, कभी बहुत हिम्मत भी की भी करते हो, कभी नाज नखरे की करते हो और कभी खिटपिट भी करते हो। आज इस वर्ष के सीजन का संपन्न है, समाप्ति नहीं कहेंगे, संपन्न हो रहा है, इसलिए रिजल्ट सुना रहे हैं, तो अभी क्या करना है, चेक करो कि निश्चय के फाउंडेशन के चारों ओर मजबूत है या चारों में से कोई भी बात में मजबूत होने के बजाय बातों के कारण मजबूर है, यह चेक करो। बाबा कहते हैं कि तुम अपने आप में चेक करो कि चारों बातों में हम निश्चय बुद्धि हैं, चारों बातों में मजबूत हैं कि नहीं हैं। ठीक है, अभी फिर तपस्या करनी है ना, पहले भी सुनाया कि प्यार का सबूत देना है और प्यार का सबूत है समान बनना। बाबा कहते हैं कि तुमको मैं बता चुका हूँ कि तुमको प्यार का सबूत देना है कि तुम परमपिता परमात्मा से प्यार करते हो कि नहीं। अगर प्यार का सबूत देना चाहते हो तो प्यार का सबूत देना मतलब परमपिता परमात्मा के समान बनना। और दूसरी बात क्या करनी है, यह वर्ष को का होमवर्क दे रहे हैं, एक वर्ष तो सुना, दूसरी बात अपने चारों ओर के फाउंडेशन को पक्का करो। ठीक है, ये लगभग अप्रैल की मुरली है ना, तो अप्रैल में वो हिंदी महीने का लास्ट चलता है, मतलब हिंदी महीने का शुरुआत होता है, नया साल लगता है, ठीक है ना, इसलिए बाबा बता रहे हैं, मतलब चैत लगता है ना अप्रैल में, लगभग नया साल आता है, इसलिए बाबा कहते हैं कि नए साल में तुमको साल भर अब प्यार बाप जैसे बनना है। और दूसरी बात, तुमको दूसरे साल के लिए होमवर्क ये दे रहे हैं बाप कि चारों ओर के फाउंडेशन को पक्का करो, यानी चारों बातों में निश्चय बुद्धि बनो, एक भी बात में कमजोरी नहीं हो, माला के मड़के बन पूज आत्मा व राज्य अधिकारी आत्मा बनेंगे, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता बनना है, सिवाय ब्राह्मण के देवता नहीं बन सकते हैं, ब्राह्मणों से निभाना अर्थात दैवी राज्य के अधिकारी बनना तो परिवार से निभाना पड़ेगा, हलचल को समाप्त करना पड़ेगा, तब निश्चय और विजय दोनों की समानता हो जाएगी, यह अंतर मिटाने का महामंत्र है। बाबा कहते हैं कि जो तुम्हारे निश्चय और विजय में अंतर है, तुमको निश्चय तो 100% है परमपिता परमात्मा में, लेकिन तुमको विजय नहीं मिल रही है, तो जो ये अंतर है निश्चय और विजय में, तो तुम जब निश्चय को चारों फाउंडेशन को निश्चय कर लोगे तब तुमको विजय मिल जाएगी, यानी निश्चय और विजय में समानता हो जाएगी, यह अंतर मिटाने का महामंत्र है, चारों ओर से मजबूत होना, चार ही निश्चय की परसेंटेज समान बनाना है, समझा, होमवर्क स्पष्ट हुआ ना। बाबा कहते हैं कि नए साल के लिए तुमको होमवर्क है कि बाप समान बनना है, बाप से प्यार करते हो तो बाप समान बनना है, और चारों फाउंडेशन को पक्का करके और
निश्चय हो करके विजय पाना है। अच्छे स्टूडेंट हो ना, या कहेंगे कि अपने सेंटर के होम में किए गए, प्रवृत्ति के होम में किए गए, तो होम में ही होमवर्क रख कर आए, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। बाबा कहते हैं कि तुम लोग अच्छे स्टूडेंट हो ना, ये तो नहीं कहोगे कि हम होमवर्क घर में रखाए हैं, ऐसे नहीं कहेंगे ना। होशियार स्टूडेंट की निशानी क्या होती है? होमवर्क में भी नंबर वन, तो प्रैक्टिकल पढ़ाई में भी नंबर वन, क्योंकि मार्क्स जमा होती है। बाबा कहते हैं कि जो स्टूडेंट होशियार होता है उसकी निशानी क्या होती है? वो होमवर्क नंबर वन दिखाता है अपना कि हाँ परमपिता परमात्मा जो आपने कहा था हम कर दिए, हाँ मास्टर जी जो आपने किया वो कर दिए। तो जो होमवर्क में नंबर वन रहता है उसको प्रैक्टिकल में ज़्यादा नंबर मिलते हैं। अच्छा, और क्या रिजल्ट देखी? वर्तमान समय में बच्चों की दो होशियारी देखी। अपनी होशियारी तो जानते होंगे ना, पहली होशियारी क्या देखी? स्व को देखना और पर को देखना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना या परदर्शन चक्रधारी बनना, दो बातें हैं ना। मेजॉरिटी किसमें होशियार है? बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि कई बच्चे की नज़दीक की नज़र बहुत तेज रही है और कई बच्चों की फिर दूर की नज़र बहुत तेज रही है, लेकिन मेजॉरिटी की दूर की नज़र तेज है, ठीक है। नज़दीक की नज़र कुछ ढीली है, देखना चाहते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। और फिर होशियारी क्या करते हैं? कोई भी बात होगी तो अपने को सेफ रखने के लिए दूसरों की बात बड़ी करके स्पष्ट सुनाएंगे, ठीक है। बाबा कहते हैं कि अभी कुछ लोगों की नज़र दूर की नज़र तेज है, कुछ लोगों की पास की नज़र तेज है, लेकिन ज़्यादातर लोगों की दूर की नज़र तेज है, नज़दीक की नज़र अभी ढीली है, ठीक है। देखना चाहते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। फिर इसमें होशियारी क्या कर देते हैं? कोई भी बात होगी तो अपने को बचाने के लिए, अपने को सेफ रखने के लिए दूसरों की बड़ी बात करके स्पष्ट सुनाएंगे, अपनी बड़ी बात को छोटा करेंगे और दूसरे की छोटी बात को बड़ा करेंगे। यह होशियारी मेजॉरिटी की देखी। दूसरी होशियारी क्या देखी? आजकल एक विशेष भाषा बहुत यूज करते हैं कि हमसे असत्य नहीं देखा जाएगा, असत्य नहीं सुना जाएगा, इसलिए असत्य को देख झूठ को सुन करके अंदर में जोश आ जाता है, ठीक है। तो यह भाषा राइट है, अगर यह वह असत्य है तो आपको असत्य को देख जोश आता है तो सत्य है, या असत्य है जोश भी तो असत्य है ना। हम यह करके दिखाएंगे, यह चैलेंज करना राइट है। यह सदा सदैव याद रखो कि सत्यता की निशानी क्या है। जो स्वयं सत्यता पर है और असत्य को खत्म करना चाहता है, लक्ष्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन असत्यता को खत्म करने के लिए अपने में भी सत्यता की शक्ति चाहिए। बाबा कहते हैं कि कोई कोई लोग कहते हैं कि मुझसे असत्य देखा नहीं जाता, असत्य सुना नहीं जाता, इसलिए असत्य को देख करके झूठ को सुन करके अंदर ही अंदर जोश आ जाता है। तो यह भाषा क्या राइट है? अगर वो असत्य है और अगर आपको झूठ देखकर जोश आता है तो झूठ सत्य है कि असत्य है? जोश भी असत्य हुआ। अगर आपको आप बोलते हो कि हमसे असत्य नहीं देखा जाता, हमसे झूठ नहीं देखा जाता, और झूठ और असत्य को देखकर तुम जोश में आ रहे हो तो तुम्हारा जोश भी झूठा है, ठीक है। यह सदैव याद रखो, हमेशा याद रखो कि सत्यता की निशानी क्या है। जो स्वयं सत्यता पर है और असत्य को खत्म करना चाहता है, लक्ष्य तो बहुत अच्छा है। जब तुम असत्यता को खत्म करना चाहते हो तो अपने में भी सत्यता की शक्ति चाहिए। आवेशता या जोश यह सत्यता की निशानी है। सत्यता में जोश आएगा तो अगर झूठ देख करके मुझे गुस्सा आता है तो राइट है, कोई आग लगाएगा तो सेक नहीं आएगा कि सेक प्रूफ हो सकते हैं। अगर हमें नॉलेज है कि वह यह सत्यता की आग है और आग का सेक होता है तो पहले अपने को सेफ करेंगे ना, कि सेक में थोड़ा सा भी जल जाए तो चलेगा, हर्जा नहीं। बाबा कहते हैं कि अगर कहीं तुम बोलते हो, तुम बच्चे, कि हमसे बाबा ना असत्य देखा जाता ना असत्य सुना जाता, और जब असत्य तुम देख लेते हो या सुन लेते हो तो तुमको गुस्सा आ जाता है, जोश आ जाता है, तो तुम्हें जो असत्य को देख कर जोश आ जाता है वो भी झूठा ही होता है। अगर कहीं पर मान लो आग लगी है, ठीक, तो आग में तुम भी जाके कूद जाओगे? नहीं नहीं, पहले अपने को बचाओगे, ठीक है। तो सदैव यह याद रखो कि सत्यता की निशानी है सभ्यता। अगर आप सच्चे हो, सत्यता की शक्ति आप में है, तो सभ्यता कभी नहीं छोड़ेंगे। सत्यता को सिद्ध करो लेकिन सभ्यता पूर्ण, मतलब कहीं पर अगर असत्य बोला जा रहा है, गलत काम हो रहा है, झूठ बोला जा रहा है, तो तुम जाकर वहाँ गुस्सा ना दिखाओ, सभ्यता के साथ सत्यता को सिद्ध करो, ठीक है।
आराम से उसे सिद्ध करो। अगर सभ्यता को छोड़कर असभ्यता में आकर के सत्य को सिद्ध करना चाहते हो तो वह सत्य सिद्ध नहीं होगा। आप सत्य को सिद्ध करना चाहते हो लेकिन सभ्यता को छोड़ करके अगर सत्यता को सिद्ध करेंगे तो जिद हो जाएगा, सिद्ध नहीं। ठीक है, बाबा कहते हैं कि अगर कहीं पर असत्य हो रहा है और तुम भी सभ्यता को छोड़ करके उसे सत्य ठहराओगे तो वो सत्य कभी नहीं हो सकता। अगर तुम सभ्यता के साथ उसे सत्यापित करोगे तब वो सही हो जाएगा। ठीक है, जिद और सभ्यता की निशानी है निर्माण। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेगा। समझा दूसरी होशियारी, ऐसे होशियार नहीं बनना है। मतलब बाबा कहते हैं कि जो तुम ये होशियारी करते हो कि कहीं पर गलत हो रहा है तो तुम भी जाके गुस्सा आ जाते हो कि क्यों तुम गलत कर रहे हो, ऐसी होशियारी नहीं करना है। सभ्यता के साथ उसे सत्यता सिद्ध करना है। तो यह भी तुम्हारे लिए होमवर्क है कि ऐसी होशियारी को छोड़कर निर्माण बनो, बिल्कुल निर्माण। मैं राइट हूँ यह रंग है, यह निर्माणता नहीं है। दुनिया वाले भी कहते हैं कि सत्य को अगर कोई सिद्ध करता है तो कुछ न कुछ समाया हुआ है। कई बच्चों की भाषा हो गई है, मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, 100% बिल्कुल सत्य बोलता हूँ, लेकिन सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता। चाहे कितनी भी दीवारें कोई आगे लाए लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता। सच्चा आदमी कभी अपने को यह नहीं कहेगा कि मैं सच्चा हूँ, दूसरे कहे कि आप सच्चे हो। बाबा कहते हैं कि कुछ लोग गाते फिरते हैं कि मैं बिल्कुल सत्य बोलता हूँ, मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये बड़ाई करने की तुमको ज़रूरत नहीं है, तुमको बताना नहीं है कि मैं सत्य बोलता हूँ, सत्य बोलता हूँ। जब तुम सत्य बोलोगे तो लोग ऐसे भी जान जाएंगे कि तुम सत्य हो, ये बताने की चीज़ें नहीं है। जो आदमी सच्चा होता है वो कभी नहीं कहता कि मैं सच्चा हूँ, उसको दूसरे लोग कहते हैं कि तुम सच्चे हो। तो बाबा कहते हैं कि अभी क्या करेंगे, स्व परिवर्तन करना, दूसरे के परिवर्तन की चिंता नहीं करना, इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता। फिर कहते हैं हम चिंता नहीं करते, शुभ चिंतक है ना, लेकिन स्व को भूल दूसरे के शुभ चिंतक बनना, इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता। सर्व के साथ पहले स्व होना चाहिए, स्व नहीं और सर्व के शुभ चिंतक बनने चलो तो तीर नहीं लगेगा, सफलता नहीं मिलेगी। बाबा कहते हैं कि पहला काम है स्व को परिवर्तन करना, पहले अपने की चिंता करना, अपने को चेंज करना, स्वयं पुरुषार्थ करना, स्वयं पवित्र बनना। ये नहीं कि तुम दूसरे की चिंता करने दौड़ चले कि तुम पवित्र बनो, पुरुषार्थ करो, तुम खुद ही अपनी चिंता नहीं कर रहे हो। तो बाबा कहते हैं कि इसमें तुमको शुभ चिंतक नहीं कहा जाएगा। तुम अपनी चिंता ही नहीं कर रहे हो, दूसरे की चिंता कर रहे हो, तुम्हें अपना ध्यान नहीं है, दूसरे की चिंता करने दौड़ चले तो इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता है। अपने को भूल करके दूसरे की चिंता करने लगे, इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता। सभी के साथ साथ पहले अपनी चिंता करो, पहले स्वयं बनो, स्व नहीं और सर्व का चिंतन करने लगे, अपनी चिंता नहीं किए और सबका चिंतक बनने लगे, सबको बोलने लगे कि उदाहरण के लिए तुम पवित्र नहीं बने, सबको लगे बोलने कि पवित्र बनो पवित्र बनो, तो तुम्हारा तीर नहीं लगेगा, सफलता नहीं मिलेगी। पहले स्व और स्व के साथ सर्व, यही बाप दादा बच्चों से दिल का प्यार है, यही बाप दादा का बच्चों से दिल का प्यार है। प्यार की निशानी है कि प्यार करने वाले की कोई कमी देख नहीं सकते, कोई कमी सुन नहीं सकेंगे, उसको भी संपन्न बनाएंगे। बाबा कहते हैं कि परमपिता परमात्मा से प्यार की निशानी है कि एक ब्राह्मण बच्चा दूसरे ब्राह्मण बच्चों की कमी नहीं देखेगा, दूसरे में कमी है तो उसको भी संपन्न बनाएगा। यह है दिल का सच्चा प्यार। बाप दिल वाला है इसलिए दिल का प्यार है। हर एक बच्चे को समान और श्रेष्ठ देखना चाहते हैं, हर एक बच्चे को सफलता मूर्त देखना चाहते हैं, मेहनत मूर्त नहीं सफलता मूर्त। अच्छा, चारों ओर के सदा निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा निश्चय और विजय को समानता में लाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा सोमान में रह स्व परिवर्तन और सर्व के परिवर्तन के यथार्थ कल्याण की भावना रखने वाली आत्माओं को, सदा बाप के समान बन प्यार का सबूत देने वाली आत्माओं को, सदा यथार्थ रूह रिहान कर व्यर्थ बातों को समाप्त करने वाली आत्माओं को, दिल वाला बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव। कोई भी संकल्प व संस्कार सेकंड में निगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन हो जाए, इसके लिए सारे दिन में ट्रैफिक ब्रेक का अभ्यास चाहिए, क्योंकि व्यर्थ व निगेटिव संकल्पों की गति बहुत फास्ट होती है।
बाबा कहते हैं कि अगर तुम्हारे मन में कोई गलत विचार आते हैं उसको तुरंत एक सेकंड में नया करने के लिए, तुरंत पॉजिटिव थिंकिंग करने के लिए, तुम्हारे मन में गलत विचार आ रहा है कि ऐसा कर दें, इसके साथ ये कर दें, इसके साथ इसको गाली दे दें, उसको एक सेकंड में पॉजिटिव बदलने के लिए तुमको ब्रेक का अच्छा अभ्यास होना चाहिए। क्योंकि जो निगेटिव संकल्प होते हैं ना, खराब संकल्प होते हैं, इनकी गति बहुत फास्ट होती है। फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास करो, तब स्वयं के परिवर्तन को परिवर्तन कर स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तक बन सकेंगे तथा अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा अनेक आत्माओं को सुख शांति का वरदान दे सकेंगे। मतलब पहले अपने को परिवर्तन करो, मतलब अगर तुम्हारे मन में बुरे ख्याल आते हैं उसे सेकंड में, एक सेकंड में तुम अच्छे ख्याल में परिवर्तन करने की प्रैक्टिस करो, ब्रेक लगाने की कोशिश करो। जब तुम स्व परिवर्तन अच्छे से कर पाओगे, स्व परिवर्तक बनोगे, तब तुम विश्व परिवर्तक बन पाओगे, ठीक है। और जब तुम स्व परिवर्तन कर लोगे तब तुम विशेष आत्माओं को, अनेक आत्माओं को सुख शांति का वरदान दे पाओगे। स्लोगन है, ड्रामा के एक जान को स्मृति में रखने वाले ही नथिंग न्यू की विधि से विजयी बन सकते हैं। जिनको ड्रामा का एक जान है, 84 जन्मों का एक जान है, उनके सामने कुछ भी कठिनाई आएगी उसे नथिंग न्यू मानेंगे, उसको पुराना मानेंगे कि ऐसा हमारे साथ हो चुका है, तो ऐसा मान के ही तुम विजयी बन सकते हो, ठीक है। आज की सूचना है, आज बाबा की सूचना है कि आज महीने का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहने सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो, ब्रिकुटी के मध्य बाप दादा का आवाहन करते हुए कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करें और चारों ओर लाइट माइट की किरणें फैलाने की सेवा करें। अगर आज की मुरली आपको अच्छे से समझ में आई हो तो कमेंट में ओम शांति लिखना ना भूलें, और पर डे की मुरली ऐसे ही पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम शांति।